हेलो, मुझे चैलेंज किया था ना, अब देख मैंने क्या किया है। ए बेटा, तू सोच भी नहीं सकता है कि मैंने क्या किया है। YouTube पर उसका MMS अपलोड हो रहा है, देख ले, एंजॉय कर ले। कार्यक्रम में आए लोगों का धन्यवाद। चलिए अब आगे की चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरी माया विक्की अलियास विक्रम नामक आदमी की मैरी के साथ की रासलीला व्हाट्सएप यूट्यूब पर वायरल हो रही है। इस रासलीला को खुद उसी ने रचा कर खुद रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप यूट्यूब पर खुद ही अपलोड किया है। इसके बारे में लोग पूछताछ के लिए फोन करने लगे हैं तो उसका फोन बंद पाया गया। हमें जैसे ही खबर मिली है उसके मुताबिक मैरी ही विक्की की गर्लफ्रेंड है, ये बात पता चली है। और जबरदस्ती से या मैरी ने खुद अपनी मर्जी से ये रासलीला बनवाई है ये हमें नहीं पता चला, लेकिन ये रासलीला जिसने भी की है वो लड़की की इज्जत पर बहुत बड़ा दाग है, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। विनोद, विनोद, तुम्हारे दोस्त विक्की ने मेरे साथ धोखा किया है, हमारी दोस्ती का गलत फायदा उठाया है। उस दिन रात को जो हुआ। बैठो मेरी। मैं विनोद से बहुत प्यार करती हूँ। अरे नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम विनोद से प्यार करती हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। कोई बात नहीं, आज से हम दोस्त हैं ना। तू तो मेरी लाइफ का बेस्ट फ्रेंड है यार। आज तो वीकेंड पार्टी यही बनेगी। मेरे माँ बाप आज सुबह आ जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग आएंगे ना। हाँ। तुम्हें उससे पहले ही पहुंचा दूंगा। डोंट वरी, ओके। सॉरी विनोद, जब मेरी इज्जत ही नहीं रही तो अब जिंदा रहने का क्या फायदा। अगले जन्म में शायद हमें एक हो पाए। तुम्हारी प्यारी मैरी, मुझे माफ कर देना विनोद, मुझे माफ कर देना। मैरी, मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, अब मुझे अकेला छोड़कर चली गई। वो गद्दार विक्की मुझे दोस्त बोलता था, पर उसने मेरे पीठ पर छुरा भोंक दिया। भाई, छुरा भोंक दिया। ए, इसके साथ जाकर इसकी गर्लफ्रेंड का अंतिम संस्कार करके आओ। कहां मिलेगा वो? ए, कौन है रे तू? इस फील्ड में तू नया लग रहा है। मैं कौन हूँ जाकर अपने पुराने पंटरों से पूछ ले। ए, हथियार निकालो रे। आ, जल्दी जल्दी उठा। Yeah.
उसे छूना मत कहा था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। जग्गी के हाथ जो लगता है वो जिंदा नहीं बचता है। देखा कैसे बेरहमी से मारा। ओए, वो कौन सा तीसमार खान है? चलो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। ए, जग्गी ने इसे मारा, इसका क्या सबूत है? अगर उस पर कंप्लेंट किया तो यहीं के यहीं कब्र खोद देगा। ए, तूने हम लोग को चका समझ रखा है क्या? तू भी ना, ए, कान खोल कर सुनो सब लोग। जिस तलवार से उसने हमारे विक्की को मारा है उसी तलवार से हम उसे खत्म कर देंगे। ए, चलो सब चलो चलो। अब इसमें दिक्कत है भाई, 2 महीने में मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। वो तो मुझे पता है, वैसे वो रमेश मुझसे 10% ब्याज पे पैसे मांग रहा है, दे दूं क्या? कुछ फिल्मों में डायरेक्टर का नाम डालकर, हीरो का नाम डालकर प्यास पर पैसा लेकर वो ब्लैकमेल करते हैं भाई, ऐसा सुनने में आया है। देखो, जब मैं बॉस से बात करूंगा तुम लोग शांत रहना। अरे रो, कैसे बाबू? क्या तू? नमस्ते बॉस। हाँ नमस्ते नमस्ते। बॉस एकदम बढ़िया। हाय बंडे। हाय भाई। बॉस कहाँ है? वो अंदर है। नमस्ते भाई। भाई नमस्कार। क्या रे, कौन है ये सब लोग? भाई थोड़ा पर्सनल है। हैं? पर्सनल भाई। चल तू निकल। क्या हुआ? जगी को मारना भाई, मैंने बहुत समझाया भाई। ए, तुम लोग यहाँ आ रहे हो किसी को बताया तो नहीं ना? नहीं बताया भाई। नहीं तुम भाई, यहाँ आए किसी ने देखा तो नहीं ना? हाँ। क्या हुआ भाई? ए, इन सबको यही खत्म कर दो। ए, तुमने अगर बाहर जाकर तुमने प्रकाश जग्गी के बारे में बात की है किसी को पता चला तो मेरी बीवी के गले में मंगलसूत्र नहीं रहेगा। अरे मेरे बच्चे अपने बाप को सिर्फ फोटो में ही देखेंगे। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ मैं, ये बात अपने भेजे में डाल दो, अपनी जुबान बंद करके चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। चलो भाई, देखने में भले हम लोग बच्चे लग रहे हैं लेकिन जग्गी को खत्म करने का बेहतरीन प्लान है। आप हम पे भरोसा करो, हम उसे खत्म करके रहेंगे। आप ए, क्या बोल रहा है भाई? ये लड़के जो बोल रहे हैं कुछ भी कर सकता है भाई। अगर आप हमारा साथ दो तो कल सुबह अखबार में जग्गी की डेड बॉडी की फोटो छपी होगी भाई, ये वादा है मेरा। हमें बच्चा समझ के हल्के में मत लो। अबे बेवकूफ, ये येड़ा भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। ए प्रकाश, फोन तो कट कर, मैं यही हूँ। कौन है ये लोग? ये सब जग्गी को मारना चाहते हैं। सब लोगों ने मजाक लगा रखा है क्या? जग्गी को मारोगे तुम लोग? जग्गी को मारोगे? जग्गी को मारोगे तुम लोग? ए, घूर के क्या देख रहा है? हाँ, ए, दिखा रे, दिखा इसको, बताता हूँ। ए, ए, वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। रात की दारू उतरी नहीं है क्या तेरी? मजो, मैं तुम सब लोग जगह के टाइम से अंडरवर्ल्ड में काम कर रहे हैं। कल परसों के नए लोंडो के सामने सर झुकाकर अपनी इज्जत कमाएंगे क्या? ए प्रकाश, क्या बोल रहा है तू? हाँ, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, और आज इन लड़कों को भी पता चल गया। ए प्रकाश, जग्गी कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ जाकर सोता है, क्या प्लान बनाता है, किससे डील करता है, ये सब मुझे नहीं पता। मेरे पीछे भी 100 काम रहते हैं, पता है ना तुझे? कि तूने उसे मारने का प्लान बनाया, वो सतीश चंद्रा, वो चार मीनार वाला मुनि, श्रीरामपुरा वाला सिद्धा, इन सब लोगों ने जग्गी को मारने का प्लान बनाया तो उनके फोटो पे हार लग गया। मैं, तू, सिद्धा अन्ना, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस पर पुलिस का कोई भी केस नहीं है, एक छोटा सा भी केस नहीं है, इतना क्लीन है वो। उसके बारे में सिर्फ अंडरवर्ल्ड को ही जानकारी है, लेकिन आम लोगों को नहीं। और तुम इन लड़कों के साथ उसे मारोगे क्या? ये देखो, सिद्धा अन्ना आ गए। आइए सिद्धा अन्ना, सब सुन लिया ना आपने? हाँ मैंने सब सुन लिया। वो पैसों के लिए लाइफ में सेटल होना चाहता है, राउडीज करेगा तो, अब वो भी नहीं है। वो मेरी और तेरी तरह फाइट करने वाला सीधे स्ट्रीट फाइटर है। ऊपर से उसकी कोई कमजोरी भी नहीं है, आराम से सोच समझ कर उसका दिमाग पढ़ना होगा। लेकिन उसके खिलाफ कोई प्लान कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसके हलकट के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसे नमक हरामों को तो पहले खत्म कर देना चाहिए। ये मैसेंजर है, आपको कैसे पता चला? तलवार पकड़ने से कुछ नहीं होता, शरीर को भी तलवार बनाना होता है। वो सब जग्गी के पास ही है। मतलब कि हमारे पास नहीं है? अब ये बात मैं अपने मुंह से क्या बोलूं?
ए लड़के लोगो, मैं जो बोल रहा हूँ वो ही करना। संभल कर चलने से ही रेस जीत सकते हैं। जग्गी के स्पोर्ट्स और इसकी कमजोरियाँ जानते हैं वो क्या है? एमजी रोड के लोगों जैसे लगते हो, पर काम तो देखो श्रीरामपुरा के छिछोरों जैसा है। ओए हीरो, तू ही ये देख, अगर तेरी आंखों की गोटियां निकाल कर दे दूं, तो जनाब शाम तक गोटी गोटी खेलकर ही टाइम पास करते रहेंगे। और तुम लोग क्या बड़ा गैंग बनाकर बैठे हुए हो? घर वापस आओगे बोलकर आए हो या नहीं? सुनाई नहीं देता है क्या तुझे? तुम लड़कों को मैं क्या कहूँ, हर बात पर माँ भाई बहन चाचा चाची पूरे खानदान पर गालियाँ देना शुरू कर देते हो। हम लड़कियों को भी ऐसे ही बात करनी चाहिए ना? ओए क्या रे जबरे, सुबह सुबह उठकर मंजन नहीं किया क्या? ओए गुड्डू, सुबह सुबह मुंह नहीं धोया क्या तूने? कौन है ये भाई? रात को पी हुई दारू की बदबू अभी तक आ रही है। ऊपर से चाय चाहिए, ऊपर से गैंग बनाकर सुंदर लड़कियों पर लाइन मारते हो। अपने आप को सलमान खान शाहरुख खान समझ रखा है क्या? चेहरा तो देखो अपना। देखो मैं ऑलमोस्ट स्लैम की हीरोइन हूँ, वहाँ मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, जयनगर में मेरा घर है, तब भी क्लास ही नजर आती हूँ। लेकिन अगर मेरा दिमाग फिर गया ना, तो कहाँ कहाँ से तोड़ूंगी पता नहीं। क्या रे, जो करना था वो सब करके अब जमीन को घूर रहा है? क्यों भाई, शादी के बाद मारना तो चलता रहता है, लेकिन प्यार में छोटा मोटा नाराज होना ही चलता है, लेकिन झगड़े में ऐसा कोई मारता है क्या? ए, पैदा होते ही बोलना शुरू कर दी थी क्या? उसके लिए फ्लैशबैक में जाना है क्या? मेरी माँ ने मुझे गोद में नहीं उठाया था, ये किसी नर्स का ही काम होगा। ओए वो सब बातें छोड़ो, खुद गलती करते हो और मार मुझे रहे हो। मैंने क्या गलत किया? हेडलाइट ऑन है करके सिग्नल दिया, ये गलत है क्या? ये बात तुम जोर से नहीं बोल सकते थे क्या? मुँह में क्या भरा था? कानों पर लगा रखा था ना हेलमेट। लड़कियों की जबान लंबी नहीं होनी चाहिए और ना घुटने में बुद्धि होनी चाहिए, समझी? ए चल रे, जाओ बेटा जाओ, देखना तेरे भाई को तो मैं ही पटाऊंगी। ओए फ्यूचर देवर, अपने भाई को समझा देना, मैं फिर से मिलूंगी। हाँ ठीक है समझा दूंगा। हाँ ठीक है, आओ बैठो। रहने दीजिए सिद्धन्ना। तो भाई लड़के लोगों सब ठीक तो हो ना? हाँ भाई। किस काम से आओ जग्गी तुम? देवन अली स्टेट, तुम्हें चाहिए? तुम ऐसा बोले क्या? सेठी ने मुझे बताया उस मैटर में एंट्री मत करना। तूने वहाँ एंट्री किया क्या? और बॉस का ऑर्डर है, बॉस को वो डील चाहिए। मुझे क्या पता जग्गी, अगर सेठी ने तुम्हारे बॉस का नाम लिया होता तो ना मैं हाथ डालता और ना ही उसे नजर उठा करके देखता। तुम्हें नहीं पता ये बोल रहे हो ना? ठीक है बॉस को बता दूंगा। पहले ये जाकर बता दे भाई, कहीं कोई और फिटिंग ना बैठा दे। वो सब तो ठीक है, जेसी को एंट्री दिया या नहीं? परसों गया था, आज आने को बोला है, कोई तो मैटर है बताया। अच्छा वो तो ठीक है, मैंने सुना है कि 56 को मार दिया है। तुझे नहीं पता? वो हलकट की औलाद है, वो प्रकाश के पास जाकर तुम्हारा मैटर लेकर आग लगाने गया था, इसलिए किसी ने मार दिया बोला। जाने दे, ऐसे पंत्रों से तो तू अब सतर्क रहना, ठीक है ना? मैं तुझे इंसानियत के नाते समझा रहा हूँ, समझ गया ना? ठीक है ठीक है, चलता हूँ, बाय। जिस चीज में हाथ डालता हूँ उसी में ये लोग हाथ डालने आ जाते हैं। भाई अच्छा चांस मिस कर दिया, छी आराम से मार सकता था भाई। ए चुप कर तू, अगर आज हमने उसे मार दिया होता तो उसका बॉस वहाँ जेल से तलवार फेंक डालता। तुझे क्या पता गधे की औलाद। हे
गाइस, इट्स माय बर्थडे टुडे। ये लो चॉकलेट। हैप्पी बर्थडे रश्मि। थैंक यू। यहाँ भी आ गए जग्गू। ओए क्या रे, फॉलो कर रहा है क्या? ये कौन सा बैल है जो शोरूम में आ गया? जग्गी आओ। ओहो देवरो, तुम सब भी यहाँ आए हो? आओ आओ, खाली पड़ी है चेयर्स, आराम से बैठो। और देवर लोग, कल तो चलो गलत फहमी में वो गाड़ी की हेडलाइट ऑन थी, मैंने उसका उल्टा मतलब निकाल कर मैंने झगड़ा कर लिया और थप्पड़ भी खा लिया। ये सब तो हो ही गया, लेकिन आज तो देखो मैं जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ का पता लगाकर तुम्हारा भाई मुझे ढूंढते हुए आया है। मैं क्या समझूँ वो मुझ पर लाइन मार रहा है? अपने भाई का बायोडाटा लेकर आओ। बायोडाटा? ओए कुछ का कुछ सुनाई देता है तुम लोगों को। बायोडाटा नहीं, बायोडाटा मतलब माँ बाप कौन है, एजुकेशन क्या है, कुल गोत्र जाति, ये सब कुछ जानने के बाद देखेंगे फिर सोचेंगे। समझ गए ना भाभी? हमारे पास तो राशन कार्ड भी नहीं है, ऊपर से आपको बायोडाटा चाहिए, ये क्या होता हमें तो पता नहीं। बंगारू को 2 करोड़ रुपए दिए थे, 2 साल से उसने कुछ भी नहीं दिया, ना ब्याज दिया ना सूद, क्या करूं बोलो। ठीक है, क्या करते हो? काम। हाँ जग्गी आएगा ना, उससे पूछ लेना। हाँ करेक्ट, तेरे हिस्से का जो भी होगा वो लाकर तुझे दे दूंगा। कोई बात नहीं, आज मेरा बर्थडे है तो ये लो चॉकलेट। चॉकलेट के बदले बोतल देती तो अच्छा होता। अरे कुछ नहीं, मैं तो बोल रहा था कि चॉकलेट अच्छी चीज है ना। ठीक है दसाई, मैं निकलता हूँ। ठीक है जग्गी, मिलते हैं। हो गई बहुत सारी बातें, मुझे विश तो करो। हैप्पी बर्थडे। अरे अरे जग्गी आ गया। हे hey, बात क्या है? लड़की हो लड़की की तरह रहो, लड़के की तरह बात करने से तेरा लिंग नहीं बदल जाएगा, लड़का लड़का ही रहेगा और लड़की लड़की ही रहेगी, समझी? अगर दोबारा मेरी नजर के सामने आए ना तो देख लेना। हे hey, ना तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही तुम पर लाइन मारती हूँ। उस दिन जो इंसिडेंट हुआ वो तो मेरी गलती थी, उस गलती को सुधार लूँ सोच कर दोस्ती कर लूँ सोचा था, लेकिन तुम तो शुरू हो गए चुप ही नहीं होते। बाय द वे आज मेरा बर्थडे है, ये लो चॉकलेट। देखो अगर तुमने ये चॉकलेट मुझसे नहीं ली तो मैं समझूंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। भाभी हम लोग चलते हैं। नमस्ते भाई, जो भी आज कोई गाली नहीं दी तुमने, तुमने वो चॉकलेट ली है लेकिन। जो भी हो जग्गी, तुम्हें वो चॉकलेट नहीं लेना चाहिए था। ओए, चुप रहेगा क्या? जो कसाई खाने में काम करता है उसे सुगंध से क्या मतलब? ए, देख जग्गी, लड़की प्रॉपर्टी पैसा ऊपर से नसीब वालों को ही मिलता है, और अगर मिल रहा हो तो इस्तेमाल कर लेना चाहिए। पन्ना, हमारी लाइन में लड़की प्यार मोहब्बत नाम का सेंटिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी है ना हमेशा तलवार की धार पर है, हमारी दुनिया जब तक चल रही है चलने दो। समझ में आ रहा है भाई, इस दुनिया में आए हो तो अच्छा हो या बुरा हो सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक है जग्गी, अब कहाँ जा रहे हैं? बंगारू के घर पे। क्या बात है जग्गी? वही देसाई भाई का डीलिंग है, बंगारू से बात करनी थी। जग्गी इस टाइम वो घर पर नहीं मिलेगा, वो गैरेज में मिलेगा, एक बार देखते हुए चलते हैं ना। ठीक है जग्गी, आगे तो रास्ता नहीं है गुरु, एक काम करो तुम यही रुको, हम देख कर आते हैं। जग्गी एक मिनट में आते हैं हम लोग। हाँ? बंगारू है कि नहीं? हाथ से निकल गए ना, चल चलते हैं। मैं आया हूँ ऐसा कहना उसे। ठीक है भाई, जल्दी आना। बस 2 मिनट जग्गी, हम लोग अभी आए। स्वामी 3 दिन हो गए खाना खाए हुए, हमारी कुछ मदद कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। Oh, 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 oh
छोड़ना मत। चलना तो आता है रम्मी, लेकिन अंदर बाहर कुछ भी नहीं आता इसे। हेलो, क्या क्या कहा? ओए, हाँ, ओए गधे के औलादों, कहीं तुम लोगों ने तो उसे प्लान करके मारने की कोशिश नहीं की ना? क्या हो भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे जग्गी जग्गी को मारने का प्लान बनाया, वो मिस हो गया। भाई अगर हम लोग प्लान बनाएंगे तो आधा आधा नहीं पूरा होगा। बॉस क्या बात कर रहे हो बॉस, हम तो तुम्हारे परमिशन का इंतजार कर रहे हैं बॉस। सिद्धना, इसने 9 लोगों को किस तरह से पीटा वो बता रहे थे मेरे चेले लोग। हाँ पूछो मत, मेरी हालत खराब हो रही है। क्या भाई, मैं इतना बोल रहा हूँ और आप चुपचाप बैठे हुए हो? ए, ना तुम्हारे आदमी ने मारा ना मेरे आदमी ने मारा, फिर किसने मारा यही सोच रहा हूँ मैं। ये ले। ओए, अबे जल्दी बता कौन थे वो लोग। बताता हूँ, मेरे पास एक फोन आया था कि एक्सीडेंट हो गया है। मैं जब एम्बुलेंस लेकर पहुंचा तो वो लोग मुझे मारकर एम्बुलेंस लेकर भाग गए थे। वो सब आपस में बंगाली में बात कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो मुझे एम्बुलेंस देकर भाग गए कहीं पर। मुझ पे हमला करने वाले लोग कौन हो सकते हैं, समझ में नहीं आता। जग्गी, हमारी टीम को हाथ लगाने की हिम्मत किसी में नहीं है। पुराने पंटरों से लेकर अभी पैदा हुए पंटरों तक किसी में नहीं है हिम्मत। बंगारू हो सकता है जग्गी, क्योंकि उसके बाहर के फंटरों से अच्छा कॉन्टैक्ट है। ये पक्का उसी का काम है। जग्गी मुझे भी उसी पर डाउट है। जग्गी मैं ऐसा क्यों करूंगा, किसी और का सहारा लूंगा? बेड़ा समझाए क्या? मतलब तू मुझे डायरेक्ट मारेगा क्या जग्गी? ए ज्यादा मत बोल, तू कौन है, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, मुझे सब पता है। तेरे दुश्मन रवि को तू नहीं मार पाया तो तू हैदराबाद के गुंडों को बुलाकर तूने मरवाया, वो भी मुझे पता है। मैं बस कंफर्म करने आया था, लेकिन मुझे मारने वाले कौन थे ये पक्का तुम्हें पता है। मैसेज तुम्हारे पास जरूर आया होगा, कौन है, किसने भेजा, बस इतना बता दे। अरे माँ की कसम बोलता हूँ जग्गी, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। अगर मैसेज आया होता तो तुझे सबसे पहले पता चलता और तेरे सामने मैं खड़ा रहता क्या? बातों से ही पता चल जाता है कौन कैसा है। अगर तुझे पता होता तो तू बोलता। चल छोड़, उस देसाई के पैसे कब क्लियर करेगा? वो देसाई ने मुझे पैसे दिए, मैंने लिए। कब लौटाना है नहीं लौटाना है मेरा हेडेक है, तू बीच में टांग बतौड़ा। देसाई भाई का पैसा अगर तूने नहीं दिया तो तुम्हारा धड़ काट कर रख दूंगा। देख बंगारू, 2 करोड़ रुपए ब्याज पर लिया था, 1 साल हो गए, ना ब्याज दिया ना असल, ये सही बात है क्या? जग्गी तुझे बहुत जरूरत है, मैं तुझे 150 दे सकता हूँ, फैसला तू कर ले। मैंने तलवार हाथ में पकड़ा है मरने या मारने के लिए, शौक के लिए नहीं। इस फील्ड में सच्चाई के लिए जीता हूँ मैं, पैसा कमाना है या शौक पूरे करने के लिए नहीं। देख बंगारू, मुंबई में कितना रखा, हैदराबाद में कितनी जायदाद है, मुझे सब पता है। नाम के लिए गैरेज खोला है ये भी पता है मुझे। बैंक में जाकर चुपचाप देसाई भाई का बैलेंस क्लियर करो, वरना तुम क्लियर हो जाओगे। ये मेरे बॉस का डील है और मैं अपने बॉस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और ये बात तुम्हें भी पता है। पागलों वाली हरकत मत करना, जल्दी उसका पैसा क्लियर कर दो, वरना तेरे लिए तलवार का नामकरण आज ही करना होगा। 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ तुम्हें। इस साले का तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब ये लोग यहां क्यों आ रहे हैं, क्या बात है, तुम सब लोग यहां पे कैसे? मैंने तो नहीं बुलाया और ना ही कोई प्लान बनाया। तो क्या आप जगह के लिए प्लान बनाएगा? क्या मंजू मजाक कर रहे हैं क्या? ये सब टीवी में ही कॉमेडी दिखता है। अगर ऐसा प्लान कृष्णा भाई को जेल में पता चल गया तो क्या होगा मालूम है? उसे भी खत्म कर डालेंगे। सिद्धन्ना, अमावस, प्रकाश, मंजू, तुम सब लोग मिलकर उसे पालो, मुझे पता है। अब तुम्हें लोग उसके पीछे पड़ो, इसका मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या रे भाई, कृष्णा भाई की वजह से हम लोग चुप थे, उसकी जगह पर कोई आकर बैठ जाए तो क्या करोगे? तुम लोग मार कर पूछो या प्यार से पूछो,
मैंने जग्गी की प्लानिंग नहीं की और ना ही करूंगा। बंगारू बार बार एक ही बात मत बोल, मुझे सब पता है। अब ये बताओ उसके खिलाफ प्लान क्या बना है? मेरे साथ डबल गेम खेल रहे हो क्या? जो बोल रहा हूँ उसे सुनो। हमारी आंखों के सामने पले बड़े लौंडों के सामने हमें डर कर जीना पड़ेगा क्या? अंगारू ऑलमोस्ट सब लोग तैयार हो गए हैं, अब तो भी मान जा। मतलब कि तुम लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए हो? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। जग्गी को मारेंगे। ए बंगारू, मुंबई की दारू हैदराबाद की दारू सब अलग अलग वैरायटी की समझा है क्या? ये इतना आसान नहीं है समझा। हम इतने सारे होकर भी डरे क्या उससे? उसको तो मरना ही होगा। कृष्णा भाई के लिए दो गाड़ियों में भरकर लोग गए थे, फिर भी वो बच गया क्योंकि उन सबको जग्गी ने मारकर भगा दिया। ये जग्गी ही कृष्णा भाई का करता धरता है, पता है ना? कृष्णा भाई जेल में रह करके जग्गी को बाहर छोड़ रखा है, भूल गए क्या? जग्गी कोई आम आदमी नहीं है, आज भी वो सीन मेरी आंखों के सामने है। देखो बंगारू, ना उसको दारू पीने का शौक है, ना लड़की का शौक है, कुछ नहीं है, और पैसे का लालच तो उसे है ही नहीं। हम उसे सच्चाई का पुतला कहते हैं। अगर उस पुतले को तोड़ दो तो सच कह रहा हो वही ताकत बन जाएगा। कोई तो प्लानिंग कर रहा है, जग्गी को भी अच्छी तरह मालूम है, लेकिन पता नहीं चल रहा वो कौन है। ये सोचकर हम अपने प्लान को आगे ना बढ़ाएं तो हमारा ही नुकसान होगा। देखो वो चाहे उनके हाथ से मरे या हमारे हाथों मरे, चाहे कुछ भी हो उसका मरना तय है। उसके चेलों को भी नहीं पता कि वो कहाँ जाता है, कहाँ रहता है और कहाँ सोता है। तुम लोग उसे हल्के में मत लेना। ढूंढेंगे, वेट करेंगे, वेट करके मारेंगे। जग्गी को कैसे और कहाँ मारना है उसका प्लान मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, सब ध्यान से देखो। वो इस पॉइंट से ठीक 2 बजे और अपना जेल में अपने बॉस से मिलने जाएगा। वो जब तक अंदर जाकर बाहर आएगा 6 बज जाएंगे। 1 किलोमीटर के बाद एक चाय की दुकान है, वहाँ रुकेगा। प्रकाश, मंजू, सिद्धन्ना सब ध्यान से सुन लो। वो चाय की दुकान के अंदर जाएगा, वही उसका मेन पॉइंट है, क्योंकि इसी जगह से कृष्णा भाई के लिए खाना, दारू, सिगरेट, गांजा वगैरह वगैरह यहीं से मिलता है। यहाँ से 0.5 किलोमीटर आगे हम रहेंगे। इस चाय की दुकान पर हमारा आदमी बैठा होगा जो हमें मैसेज करता रहेगा। वो क्या कर रहा है, वो कब पहुँचा, कहाँ आएगा, वो सब हमें बताएगा। फिर जग्गी उनसे बात करके कार में चढ़ेगा। हम ठीक तरह से अगर वहाँ की केबल को काट दें तो जग्गी का काम वही तमाम और हमारी जिंदगी में आ रहा। जग्गी भाई को मेरा नमस्ते बोलना, बिरयानी मैंने खुद बनाई। बोल ठीक है भाई, ज्यादा मत पिया कर, खाना खा कर सो जा। चल बनना। जग्गी नमस्ते। हाँ भाई मैं तुकारा। हाँ बोल। एक्सक्यूज मी। कौन है तू, क्या चाहिए? मैं कौन हूँ ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन वो जो अभी कार में गए हैं ना, जग्गी। हाँ हाँ जग्गी जग्गी, वो आपका फ्रेंड है क्या? नहीं वो मेरा चाचा है। ओए जो काम के लिए आई हो बोलो, अंदर बोतल खोल कर आया हूँ, अगर खुशबू उड़ गई तो मजा नहीं आएगा। वो मुझे उनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी इसलिए। पुलिस वाली या प्रेस वाली, तुम हो कौन जो उसके बारे में जानना चाहती हो? वो ना मैं उनसे प्यार करती हूँ। प्यार? अरे मैं उनसे प्यार करती हूँ तो आप क्यों शर्मा रहे हैं? वो सलमान का फैन नहीं है, ना वो देवदास के शाहरुख का फैन है, वो अमरीश पुरी का फैन है। वो खलनायक है, खलनायक देख कर उड़ा हुआ है। अरे जाओ यहाँ से, जाओ 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 यहाँ से। आपने इतना सब बोल दिया, आप किसके फैन हो? सेंट की खुशबू नहीं आ रही क्या? हम देवदास के सबसे बड़े फैन है। अभी जिंदा हूँ तो पी लेने दो, रोज दो बोतल पीता हूँ, आराम से अपनी जिंदगी जी। पता चलता है, पता चलता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन वो रहते कहाँ हैं? बताओगी क्या? छोटे से हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं, लेकिन वो कहाँ जाता है, क्या करता है, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, अभी कहाँ गए हैं? बॉस से मिलने जेल गया है। अगर आपको भी कोई रिलेटिव है तो आप उससे मिलकर जग्गी से जेल में बात करके आ जाओ। जाइए जाइए, बोतल खोल कर आ जाओ, उसे फिनिश करना है। जाइए जाइए। ओ मां रामदेवी, आ रहा हूँ तेरी शरण में, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। किस बेवड़े से पाला पड़ गया? ए, क्या बोली तू? हाँ
देख जग्गी सुन, मेरी बात सुन भाई, वो लड़की बहुत अच्छी है, प्लीज अगली बार जब भी वो मिले तो तू आई लव यू जरूर बोल देना। अरे हम जैसे लड़कों से कौन प्यार करता है यार, सोने जैसी खरी लड़की है, शादी करोगे तो सुखी रहोगे। तुझे सोचना है जो करना है कर, मैं तो डिसाइड कर लिया, मैं तो अपनी जिंदगी उसे ही भाभी बुलाऊंगा, वरना किसी को भी नहीं बोलूंगा। अरे तुझे मैं कितना समझा रहा हूँ, कितने दिनों तक मारी पिटाई करता रहेगा तू, ये सब छोड़ दे जगी, अब सेटल हो जा, तेरे पैर पड़ता हूँ भाई। हो गया, ये और कुछ बोलना है? चुपचाप गाड़ी चला, तेरी मर्जी भाई। अम्मा उसको फोन तो कर। हेलो हेलो बॉस। हाँ बोल। अरे ये लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास जा रहे हैं बॉस। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के? हाँ हम लोग फॉलो कर रहे हैं बॉस। हाँ ठीक से फॉलो करना। अरे सुन 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 सुन। हाँ बॉस। तू उनको ठीक से फॉलो करना और मैं सबको यहाँ इकट्ठा करता हूँ। नमस्कार भाई। कैसा है जग्गी, क्या हाल चाल? वो परसों किसी अनजाने ग्रुप ने मुझ पर अटैक किया, सबने मास्क पहना हुआ था, सब बंगाली बोल रहे थे। कौन हो सकता है? हमने सब जगह पता लगा, यहाँ का तो कोई नहीं हो सकता। आंध्र, तमिलनाडु, बंगाल, पंजाब से आए हैं, मतलब क्या है? मेरे लिंक उस तरफ भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा, उनका पता तो लगा ही लूंगा। जग्गी कोई भी ताकत तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती है, तू घबरा मत, अपना ख्याल रखना। मुंबई वाले होते तो गन से निशाना लगाकर तुरंत मारते। तेरे लिए गन भी रेडी हो जाएगी, सेफ्टी के लिए गन को अपने पास रख, इससे मारने का प्लान कौन बना सकता है। मैसेज तो ठीक से भेज रहा है। बन्ना, वो चाचा की दुकान पर थोड़ा गाड़ी रोकना ना। चाचा की दुकान पे ना? हाँ, बॉस चाचा से कुछ बात करने के लिए बोले। हाँ हाँ भाई, हाँ चिंता मत करो। हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है भाई। ये तो अपना ही आदमी है। अरे यार, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, नहीं तो सबकी वाट लग जाएगी। मारा तो उन्हीं को था। भाभी आप यहाँ? हम यहाँ हैं, आपको किसने बताया? अब क्या करूँ, अब प्यार किया है तो तुम्हारे भाई को ढूंढते हुए आना पड़ेगा। देखो देवर जी, मुझे तुम्हारे भाई से कुछ पर्सनल बात करनी है, क्या तुम 5 मिनट के लिए उन्हें अकेला छोड़ सकते हो? आप क्या चाहती हैं, ये जगह खाली हो जाए यही ना? ठीक है जग्गी आ रहा है, आपको जो भी बात करनी है उसे कर लो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ओ हीरो, तू यहीं के रहने वाला है क्या? चल चल, मुझे घुमा कर लेकर आता हूँ। अरे आजा भाई, घुमाऊंगा तेरे को। जबरदस्ती क्या? मैं जो बोल रहा हूँ तुम ध्यान से सुनो। बन्ना, ओए हेलो, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ हूँ, तुझे किसने बताया? मुझे सपना थोड़े ना आता है, तुम्हारे चेले ने बताया। ये तुम 5 मिनट मुझसे बात कर लो, इतने भी फ्री नहीं हो क्या? देखो मैं तुमसे डायरेक्ट बात करती हूँ, थोड़ा नहीं पूरा डायरेक्ट करती हूँ। मेरी भी एक हिस्ट्री है, देखो मैं लड़की होकर गुंडों की तरह बिहेव करती हूँ, तुम्हें ऐसा लगता होगा। मेरा भी एक बहुत बड़ा परिवार है, दादा दादी भाई भाभी मम्मी पापा दीदी जीजा, सभी लोग बहुत खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे
तो दुर्घटना में सब भगवान को सिधार गए। पापियों को जल्दी मौत नहीं आती, तो मैं ही अकेली बच गई। बाकी सारे रिलेशन हैं, लेकिन मैंने सबको दूर रखा है। पीजी में रहती हूँ। अपनी सेफ्टी के लिए मैं ऐसे गुंडे लड़कों की तरह बिहेव करती हूँ। देखो, जो बात है वो मैं आज चैनल की तरह सीधे साफ साफ स्पष्ट कहती हूँ। तुझे जब से देखा है तभी सोच लिया था, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। तुम्हारी मेरी जोड़ी अच्छी है। लव को पब्लिक टीवी की तरह पब्लिक में बोल रही हूँ। तुम मेरा ख्याल रखोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। ये डीडी चैनल वालों की तरह हिंदी में बोलोगे तो भी चलेगा, या फिर 92.7 बिग एफएम की तरह हिंदी इंग्लिश मिलाकर थोड़ा प्यार का तड़का लगाकर मुझसे आई लव यू बोलोगे तो भी चलेगा। बाप रे, ऐसा लगा जैसे बारिश अचानक रुक गई। फैमिली नहीं, ये दुख अपने मन में रखकर ऊपर से हंसने का दिखावा करके ऐसी पटपट बात कर रही हो ना, मुझे वो ही बहुत पसंद है। हाँ? मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ क्या? ए, वेट वेट, मैंने अभी तक पूरा हाँ नहीं बोला है। ए जगी। हाँ? भाई ने कल ही बोला था ये मंगा कर रखा था, ये ले। भाई से बात कर लिया क्या? हाँ। बहुत अच्छे, चलता हूँ। अच्छा वो बन्ना क्या बोल कर गया? मैं 10 मिनट में घूम कर आता हूँ, ऐसा बोला उसने। ठीक है, चाबी दो। ए लड़की, आ बैठ जा। हाँ चलो चलो। बैठ गई? हाँ। ये गाड़ी तो हमारी है। पन्ना ने जहाँ की रोकी। पन्ना! जग्गी, तुझे मारने का प्लान था, मुझे पक्का यकीन हो रहा है। भाई, तुझे समझकर इसको ही किसी ने मार डाला। साथ में जो मारा गया है वो भी उसी एरिया का ही था, ना वो किसी के गैंग का है ना किसी का चेला है। जग्गी, आज तेरे जिंदा रहने की वजह ये लड़की है और ये लड़का जो मारा गया। शह, कौन है वो नमक हराम साला? नमक हराम, नमक हराम। देखो जग्गी, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना भाई। पता नहीं वो कौन था, सब के सब चर्बी की औलाद है बदमाश। बुरा हो यार। जस्ट मिस हो गया। अब तो ऐसा लग रहा है हमारे ऊपर पहुंचने का टाइम आ गया है। वो हमें नहीं छोड़ेगा, जग्गी हमें मार डालेगा। अरे यार, चुप कर, कुछ भी नहीं होगा, छोड़ दे। ऐसा क्यों बोल रहा है तू? तेरी तो बात ही अलग है। वैसे परसों कृष्णा भाई से बात करते हुए जग्गी ने खुद कहा था कि हमने कुछ भी नहीं किया है, ये भी उन्हीं लोगों पर ही आएगा। लेकिन एक पल को हम उस लड़के का मोबाइल उठाकर नहीं लाते तो गारंटी हम सब फंस जाते। फिर पुलिस तो क्या, जग्गी ही मार देता। ए प्रकाश, ये बात ऐसी खत्म नहीं होने वाली, कभी ना कभी बाहर आने ही वाली है, समझा? लगता है जैसे तू ही ना बता दे। ए, अपने जैसा समझा है क्या? ये अलग बात है कि मैटर लीक होगा ही होगा। देखो भाई, पुलिस इंक्वायरी नहीं कर रही है ये हमारे लिए बड़ी बात है, वरना वो गुंडे लोगों के ग्रुप में था, उन लोगों ने कोई पुरानी दुश्मनी के चलते उसे मार डाला, ये सोचकर पुलिस भी चुपचाप बैठ गई। और जग्गी भी इस बात को मान रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डाउट तो रहेगा ही। क्यों, क्या बोलते हो? चिदन्ना, उस दिन जब वो जेल से निकला तो हम लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे? उसका पूरा प्लान है, मैंने अपने और सबके एरिए में लॉज में रूम बुक करवाया था। हम सब पीछे के रास्ते से जाकर उसे मारे थे ना, उसको वो डाउट आया, इसलिए उसने जाकर हमारे चेलों से पता किया।
जब उसने पता किया तो हमारे लड़कों ने क्या बोला, हम लोग सुबह से भाई लोगों को दारू पिलाते जा रहे थे, वो पीते जा रहे थे, हम डालते ही जा रहे थे, वो पीते जा रहे थे, ये बोले हैं। अभी का तो हो गया, लेकिन आगे तुम लोग कुछ भी बोलो। जग्गी के बारे में हमें थोड़ा बहुत भी कुछ पता चलता है तो हमारे लिए बहुत है, वो कहाँ से होता है ये पता चल जाए तो भी बहुत है। उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, ये कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जिनके माँ बाप पॉकेट मनी देते हैं ना, उन लोगों को हम पॉकेट मनी देना शुरू कर देते हैं, तो जग्गी जहाँ भी रहेगा हमें पता चल जाएगा। क्या मंजू, ठीक बोला ना? एकदम ठीक बोला है। इसके लिए दिमाग की जरूरत होती है भाई, दिमाग की। ए अमावस, दिमाग पिछवाड़े में नहीं, ऊपर होता है, ऊपर। डायलॉग ठीक से बोला तो मतलब समझ में आ गया ना। अरे मत उठो मत उठो मत उठो, सलमान भाई का गाना है, चलो नाचो। भाई अब चुपचाप उससे शादी कर ले, बहुत हो गया ये मार पिटाई, दारू तलवार वगैरह। तुम दोनों की शादी हो जाए, दो सुंदर बच्चे हो जाए, उन बच्चों को लेकर मैं स्कूल जाऊं, इतने सारे ख्वाब देखे हैं मैंने जग्गी। जीना मरना अब तेरे साथ है जग्गी, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन, तू जहाँ लेकर जाएगा जाऊंगा। जग्गी तू कहाँ जा रहा है यार? तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाई? मेरे से ऑलरेडी दो बहुत बड़ी गलती हो चुकी, अब उसके साथ शादी करके उसकी भी जिंदगी खतरे में डालूं क्या? अरे जग्गी तू बार बार उसी बात पर मत अटक भाई, गुंडे लोग क्या प्यार नहीं करते या शादी नहीं करते या फिर शादी नहीं कर सकते, ऐसा कहीं लिखा है क्या या अंडरवर्ल्ड में ऐसा कोई रूल है? ए, ऐसा तो मुझे भी पता है, नॉर्मल लोगों के पीछे मौत खड़ी रहती है, लेकिन हम जैसे लोगों के सामने मौत होती है, ऐसे हालत में उसको भी खतरे में डाल दूं? अरे उसको तो बहुत से ही बुलवाना होगा। ए, उसे कितना भी समझा दो लेकिन वो समझने वाला नहीं है। पता नहीं जग्गी कहाँ गया, बॉस को फोन लगाता हूँ। भाई वो जग्गी का पता चल गया है भाई। जग्गी और उसके सारे लड़के कुछ तो बात कर रहे थे। हाँ? कुछ देर के लिए लाइट चली गई थी। लड़के तो कार में बैठ के चले गए। लेकिन उनके साथ जग्गी नहीं था। कहीं कार में तो नहीं गया? नहीं भाई, इधर उधर देख रहा हूँ तो सिर्फ शमशान ही दिख रहा है, वो यही कहीं शमशान में है भाई। मतलब तेरा कहना है कि वो शमशान में ही है? ठीक है भाई, पक्का? हाँ भाई पक्का भाई, चेतन जग्गी शमशान में ही है। अरे मुझे ऐसा लगा कि जग्गी हम लोगों के पीछे है, इसीलिए मैं डर गया। We'll be right back.
ए, तुझे किसने बोला कि वो यहाँ पर है? ये सलकट ने मुझे बोला। इसने? ए, ये दारू के नशे की हालत में तुझे बोला और तू इस पर भरोसा करके हम सबको यहाँ आधी रात में लेकर के चला आया। ए, चलो यहाँ से। जहाँ लोग रहते हैं वहाँ तो मिला नहीं, यहाँ क्या खाक मिलेगा मुर्दों के पास? पता नहीं कहाँ छुपा कर देख लेंगे, एक बार मिल जाना। आने का टाइम हो गया, पेपर दे दे मुझे, मैं पेपर पढ़कर चुपचाप बैठ जाता हूँ। अरे सतीश, ये तू है? सुबह सुबह पेपर पढ़ रहा है, सच्चा या सपना? हाँ लगता तो सच है। हाँ सच्ची है। जा जाके अंदर नहा धो ले जा। हाँ रोज सुबह मैं तुम्हें उठाता था, आज पता नहीं सूरज किस तरफ से निकला है। जा अंदर जा, फिर पता चलेगा। जा। जाओ, थोड़ी देर में देने वाली है। कॉफी पीजिए। ये क्या, आज तो कॉफी बहुत टेस्टी बनाई है। कॉफी तो रोज ही टेस्टी बनती है, वो बस आपने आज इस कॉफी में अपनी कॉफी नहीं मिलाई है, इसलिए फर्क लग रहा है। ठीक है, अब से ये कॉफी पीने के बाद ही वो कॉफी पीऊंगा। भैया कॉफी अच्छी है क्या? मैंने बनाई है। अच्छा, तभी मैं सोचूं ये इतनी अच्छी कॉफी कैसे बना सकती है। रश्मि, कैसे भी करके इनका कॉफी पीना बंद करना होगा, ये पीकर किसी और को नुकसान नहीं पहुंचता, खुद को ही नुकसान पहुंचता है, बस यही इनकी बड़ी गलती है। हेलो, जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसा हमारे पूर्वजों ने कहा। बड़े आए। देखो रश्मि, अंदर जग्गी है, अगर उसने आज जरा भी नाटक किया तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आपने परमिशन दे दी है ना, बस बात खत्म। ना जाने कितने पत्थर दिलों के दिल हमने पिघला दिए हैं। ये तो जग्गी है, उसे मैं देख लूंगी। अपना दिल वो हाथ पर रख कर मेरे पीछे पीछे नहीं घूमा कि मुझसे प्यार करो तो मेरा नाम रश्मि नहीं, उससे दीवाना करके छोड़ूंगी। कॉफी। ओए तू यहाँ? सतीश भैया, रत्ना, ये क्या हो रहा है? जान ना पहचान किसी को भी घुसा लेते हो, यहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं है क्या? इसको तो तुम जानते ही नहीं हो, ऐसे कैसे तुमने घर में घुसा लिया? अब अपना मुंह बंद करके क्यों बैठे हो? ए रत्ना, क्या मुस्कुरा रही है? अरे सतीश भैया, तुम क्या मुंह बंद करके बैठे हो? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? चल बाहर, चल बाहर। तुम यही बोलने वाले थे ना? ये मैंने ही बोल दिया। मैं कुछ भी बोलूं, ना हाँ करते हो ना ना करते हो, अरे कुछ तो बोलो, हाँ या नहीं। ओ, प्यार में दो बातें हो जाती हैं। यहाँ तो लव मैरिज की हुई ना रत्ना दीदी? रत्ना दीदी कुछ बोलना चाहती थी, तुम यही बोलना चाहती थी ना रत्ना दीदी? सुनाई दिया, वो भी मेरी बात से सहमत है। खैर अब कॉफी पियो तुम। हो गया, और कुछ है? और बड़बड़ करना बाकी है? अभी कहाँ खत्म हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। पहले शादी करना है, बाकी सब कुछ करना है, हनीमून के गाने गाने हैं, तुझे बाप बनाना है, मुझे माँ बनना है, और हमारे बच्चे उधर खड़ी रत्ना दीदी को माँ और सतीश को बड़े पापा बनाना है। तब जाकर सब खत्म होगा। बस करोगी? आप लोग भी ना। ओए क्या हुआ, लगता है शर्मा गए।
छोड़ ना रश्मि, अपना दिमाग खराब मत कर। वो इतना चुपचाप जा रहा है तो पक्का उसे तुझसे प्यार हो गया है। राहुल, और उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी है, फुल हैप्पीनेस। सही बात है ना जग्गी, बोल दे क्या हम उसे? नहीं, मैं ही बोलूंगा। ओ जग्गी, तो पूरा मूड बनाकर बैठा है। अरे दोस्तों, उसे प्यार हो गया, प्यार। बीवी के साथ सोने की बजाय दारू पीकर जागने की जरूरत पड़ गई हम लोगों को। ना जाने कैसे कैसे तिस्मार खान को प्लान बना करके रातों रात मार दिया हम लोग, उसका तो नसीब ही अच्छा है। ऐसे चिल्लर को मारने के लिए हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं। इतने साल से हम लोग अंडरवर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, अस्तूरा तेज कर रहे हैं क्या? अमावस, वो हर बार मिस हो जाता है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई, हम तो सिर्फ कहने के लिए शहर के डॉन है। दो बार मिस हो गया तो क्या, तीसरी बार नहीं फंसेगा, बस वही खत्म कर देंगे। पकड़ा जाए वो कोई मछली नहीं है, वो मगरमच्छ है। मौका मिले तो हम सबको निकल जाएगा। शंकर मठा से उसको मारेंगे सोच का प्लान बनाया तो, कोलन हल्ली से भी आकर उसे मार सकते हैं, महालक्ष्मी रोड की साइड से आकर मार सकते हैं, महेश्वर नगर से आकर मार सकते हैं, लोधी हॉस्पिटल से भी आकर मार सकते हैं, लेकिन हमें उसका रूट ही समझ नहीं आता। उसको कैसे खत्म करें? रूट के लिए मैप चाहिए, मैप रेडी करने के लिए आदमी है। मतलब ये कि प्लान बनाकर भी कुछ नहीं कर पाए उसका, उन लोगों को शक भी नहीं हुआ क्या? उनको कोई डाउट नहीं हुआ भाई। ए टकले, उसको डाउट नहीं आया हो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम लोग उसके खिलाफ प्लान बना रहे वैसे ही एक था जिसने सुनकर ही याद आती है उसकी, राजकुमार। राजकुमार नाम था उसका। वो कहाँ जाता था, क्या करता था, किसी को पता नहीं चलता था। उसको मारने के लिए सब के सब उसके पीछे पड़ गए थे। ये भी उसी के रास्ते पे चल रहा है, लेकिन राजकुमार तो पूरे शहर को अपने कब्जे में रखना चाहता था, लेकिन इसके मामले में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। इसकी कोई वीकनेस का भी पता नहीं चल पा रहा है। सब कृष्णा भाई पे है, यही सब बता रहे हैं। हाँ भाई, वो कृष्णा भाई जेल काट रहा है और ये हमें काटने की बात कर रहा है, पागल हो गया ये। इन दोनों के बीच में गलत फहमी डाल दे तो कैसा रहेगा, सोचो जरा। अरे तू तो हमेशा दूसरों के फटे में टांग डालता है, अंडरवर्ल्ड में कैसे आ गया तू? जैसे शार्प शूटर जयराज को उड़ाया था वैसे इसे भी उड़ा दो। इस फील्ड में अपने आप को भाई बताने वाला कोई ऐसा काम नहीं करेगा। नहीं, हम तेरी नजरों में क्या नजर आ रहे हैं? ना इस तरफ लड़का, ना उस तरफ लड़की, ना लड़का ना लड़की। अबे छह नंबर जैसा बात क्यों कर रहा है तू? अगर तुम्हें पेड़ को उखाड़ना है तो उसके टहनियों को एक एक करके पट पट करके तोड़ना होगा, तब जाकर खत्म होगा। इतनी सी बात तेरे समझ में नहीं आ रहा है? तब जाकर के अंडरवर्ल्ड में काम होता है पूरा, समझा क्या? तुम याद आ रहा है? उसी का फोन ले लो, बात करो। उसका नंबर तूने कब लिया? तूने ये नंबर उसे क्यों दिया? वो तेरे पास तो अपना फोन नहीं है ना, इसलिए मैंने अपना नंबर दे दिया ताकि उसका दिल तेरे पास आ जाए और तेरा दिल उसके पास चला जाए। ले बात कर भाई। सब तुम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया? हाँ हाँ, मैं कल मिलूंगा, बोलो उसे। हेलो या टेल मी, ही इज वेरी बिजी, सॉरी बिजी। कल अगर कोई काम नहीं रहा तो, अगर हुआ तो भी मैं उसे फ्री कर दूंगा। ओके बाय। हेलो, कल सुबह मिलने बुला रही है वो। आज ही मिलते तो ठीक रहता था। ये पहले नहीं बोल सकता था क्या? एक को मारने के लिए भी सारा प्लान बनाकर हम लोग टाइम देखते, ये तो प्यार का मामला है, टाइम लगेगा ना भाई। सोचो दोस्तों, मुझसे ऑलरेडी दो गलतियां हो गई हैं, तीसरी गलती चाहिए क्या? देख जग्गी, कल सुबह वह तुझे मिलने बुला रही है, एक बार के लिए तू नहीं गया तो वो सीधा सतीश से मिलने चली जाएगी, ये सब जरूरी है क्या भाई?
कल सुबह उसने तुझे बुलाया है और तू वहाँ जा रहा है बस। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, मन तो तुम्हारा भी है लेकिन ऊपर से अगर दिखाते हो। ऐसे लड़के बहुत शातिर होते हैं, लड़की दिखी नहीं कि आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हो, लड़की आगे बढ़कर बोले तो खूब नचाते हो। हम लड़कियां भी कम नहीं होती, हम लोग भी खूब घुमाती हैं, लेकिन हम लोग घुमाते हैं टेस्ट करने के लिए। क्यों पता है? क्योंकि लड़का अच्छा है क्या, शादी होने तक साथ निभाएगा या बीच रास्ते में ही छोड़ जाएगा। और तो और हम ये भी देखते हैं, राम है या कृष्णा है, कंस है या फिर वो रावण है, ये सब क्लैरिफाई करते हैं हम लोग। लेकिन तुम तो बैड बॉय नहीं हो, गुड बॉय हो, वेरी गुड फ्रेंड, वेरी वेरी गुड लवर। ओ सॉरी, लवर बोल दिया। तुम बोलोगे तभी उसके बाद तुम्हारी लवर बनूंगी। मेरा चेहरा देखकर तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो, मुझे भी थोड़ा सा जानने दो ना। मुंह खोलो मेरी जान। ओए हीरो, चलो कोई नहीं, मेरे लिए क्या लेकर आए हो, बोलो ना, बोलो ना, बोलो मेरी जान, बोलो मेरे सोना, हे बोलना, हे कुछ तो बोलना। वाओ, ये तो मुझे ही वापस करोगे, ये मैं बहुत अच्छे से जानती थी। इसका मतलब मैं ये समझूं तुम मुझसे प्यार करते हो। ओह माय गॉड, अरे जग्गी, मैंने कितनी सारी बातें करके प्यार का इजहार किया पर तुमने एक चॉकलेट से ही सारा हाल बयान कर दिया। एक सेकंड रुको, ये देखो मैं तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल गिफ्ट लेकर आई हूँ। रुको रुको, उससे पहले मैं तुम्हें अपनी सारी बात बता देता हूँ, बाद में तुम्हें लगे कि प्यार करने लायक हो तो करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तुम कौन हो, क्या करते हो, तुम्हारा फ्लैशबैक, मुझे कुछ नहीं जानना। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जग्गी, बात को समझो। वो बात नहीं है, मेरी कुछ बातों को मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? प्यार होने के बाद शेयरिंग तो लगा रहेगा, मैं तुम्हारे साथ लाइव शेयर करने की बात कर रही हूँ। क्या जग्गी, एक सेकंड रुको, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। जग्गी, क्या भाई, सब हो गया तो क्या भाभी, मान गया क्या? ओ, ये देखो गिफ्ट भी लाई हो, क्या लाई हो दिखाओ तो। इसी को बोलते हैं कि कबाब में हड्डी का हो जाना। तुम्हें और कोई टाइम नहीं मिला आने के लिए। आप चाहे जो समझो, लेकिन आप क्या गिफ्ट लाए वो तो मैं जरूर देखूंगा, दिखाओ। अरे रुको रुको ना, गुलाब का फूल है, इतनी भी क्या हड़बड़ी है। क्या करें भाई, तुम जैसे लड़के तो खाली हाथ आ जाते हो, इसीलिए हम जैसी लड़कियों को ही गुलाब लेकर आना पड़ता है। हम लड़कियां हैं ये भी हमें बताना पड़ता है। समझ में आ गया, सेल्फ सर्विस है, लड़की खुद फूल लाकर लड़के को कहती है बाल में सजा दो, ताकि बाद में फूल किसी कचरे के डब्बे में ना चला जाए। हेलो, हाँ क्या जग्गी, शो को किसी ने खत्म कर दिया भाई। ए, क्या बोल रहा है भाई? कहाँ है भाई, चल जल्दी चलो भाई। सुनो कृष्णा भाई के चेले जग्गी, ये तुम्हारा ही दोस्त था ना, देखो कैसे मारा गया है। ए, सबूत के साथ तुम भी फंसोगे तब बताऊंगा, इसीलिए तुम्हें वार्न कर रहा हूं, कभी हाथ आ गया ना तो तेरी बॉडी का एक भी पीस नहीं मिलेगा, याद रखना मेरी बात को, समझ गया ना।
ए, इस गधे को ना पढ़ना लिखना आता है ना ठीक तरह से गिनती करना, तू थोड़ा ध्यान रखना। हाँ? भाई जग्गी ने दो शंभू को मार दिया भाई। शंभू को मार दिया? हाँ। किसकी तो, वो पागल है पागल, परसों ही बोल रहा था कि शाखाओं को काटना है और इतनी जल्दी काट भी दिया। ये आइडिया तो सब मेरा था है? लेकिन अब इसने कर दिया। लाउड स्पीकर पर सुनते हैं भाई का गाना, चलो नाचो, चलो अब हम सभी नाचते हैं। हेलो अरे देखे तू, तू परसों बोल रहा था कि टहनियों को उठाना है और इतनी जल्दी काम भी कर दिया। अरे तो सिर्फ प्लान बनाए थे जैसे तूने कहा। तूने नहीं किया? मेरे पास कोई काम नहीं है क्या? तो फिर और कौन कर सकता है? अरे चल फोन लगा। ठीक है कोई बात नहीं। बन्ना को मारने वाला कौन है? तुझ पर अटैक करने वाला कौन है? शंभू को मारने वाला कौन है? जग्गी कौन है? पिचकारी प्रकाश है? केतु, बंगारू, अमावस? नहीं भाई, मुझे पक्का पता है इनमें से कोई नहीं है, लेकिन वो है कौन समझ नहीं आ रहा। मैं इस मैटर को संभाल लूंगा, तू इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना। भाई मेरी वजह से मेरे साथी मरे, ये ठीक है क्या? चाहे तो मेरे सामने आकर फाइट करे तो मैं सामना कर लूंगा भाई, और जितनी भी गलतियां हुई हैं सब मैंने की हैं, ऐसा मैं मानता हूँ भाई। सामान संभाल कर बात कर, अगर तू कबूल भी करता है कि गलती तूने की तो भी उनके पास सबूत तो होना चाहिए ना। मुझे तो सिडन्ना पर डाउट है। जेल से बाहर निकलते ही मैं सारे अड्डों पर राउंड मारूंगा। अच्छा तूने बताया था कि बन्ना के साथ एक लड़का बेकार में मारा गया था ना, कौन था वो, क्या करता था, कहां का था, सारी डिटेल्स निकालो उसकी, शायद हमें वहां से कुछ पता चल जाए। जग्गी छोटी सी बात पर अंदर चला जाऊंगा, बाहर निकल आऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हे, जो मैं कहता हूं उसे समझ ले। कौन कर सकता है ऐसा? हे, जग्गी को कहीं डाउट तो नहीं हो गया? किसको बोला बे? मुझको? अबे तुझी आईला, समझता क्या है खुद को? देख जो करना था वो कर दिया, हम लोगों को अपनी सेफ्टी देखनी होगी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने उसको नहीं मारा है, जबरदस्ती लाश मेरे गले में डाला है। क्या कहते हो? जैसा बोला था टहनी तोड़ डाली है। क्या पकड़ा है? मैंने क्या किया तो फिर? हेलो बॉस, मैंने सुना कि आपने उसे मार डाला। आपने नहीं मारा? अरे धू, सब मुझे टेंशन देंगे क्या? देख मेरी बात सुन, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा, तूने ही अपनी आंखों से देखा था ना, शंभू मारा गया, बन्ना मारा गया, कल राहुल, उसके बाद मंजू, या फिर मैं। तेरी मेरी बात अगर उन्हें मालूम पड़ गई तो वो तुझे भी मार सकते हैं। नहीं, तुम अपने रास्ते चली जाओ। हो गया, सब बोल दिया या कुछ बचा है? देख तू कौन है, क्या करता है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, जानकारी तो उससे प्यार किया है, जयराज की शादी नहीं हुई क्या, या फिर तेरे किसी और चेले की अब तक शादी नहीं हुई है? सत्यन ने भी तो प्यार करके शादी की थी। देख तू मुझे कितना भी लेक्चर देने की कोशिश कर ले, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, समझा ना? भले ये तुझे पुराने जमाने के डायलॉग लग रहे होंगे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, एक बार मैं किसी बात को ठान लूँ तो मैं ना कभी पीछे नहीं हटती। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो? समझो मेरी बात को, मैं किसी हॉस्पिटल में पैदा हुई, तुम किसी गली में पैदा हुए, दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्यार कर लिया, बस अब एक प्रोडक्शन ही बाकी है, शादी हो जाएगी तो वो भी हो जाएगा, अब चाहे सुख हो या दुख हो सब तेरे साथ ही निभाना है। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, लगता है तुम सुनकर थक गए हो, लो पानी पी लो।
जग्गी बात हो गई क्या? जाइए सर जाइए, लगता है आपका टाइम खत्म हो गया है। अभी तक पूरा हैंडओवर नहीं मिला है ना आपका, मिलने दो, एक बार शादी हो जाए उसके बाद सब पंटर लोगों की नो एंट्री। जग्गी बना के साथ जिसका मर्डर हुआ था उसका एड्रेस मिल गया, मंजू वहीं गया हुआ है। आंटी उसको ढूंढते हुए कोई आया था यहाँ? नहीं बेटा कोई भी नहीं आया। अरे भाई तू भी एक फोन ले लेना। मुझे क्यों चाहिए, तेरा है ना? हा 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 सही है, मंजू ने कहा था यहीं आने के लिए, उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है, पता नहीं कहाँ गया, समझ में नहीं आ रहा। हेलो, उस दिन कार में जो लड़का मर गया था ना, जग्गी का आदमी पूछताछ कर रहा है। अच्छा उसी के बारे में बात कर रहे हैं भाई। ए, कहीं सारी बात पता न चल जाए, पहले जाकर उसे खत्म कर दे। मार दूं क्या भाई? हाँ हाँ मार दो उसे। ठीक है भाई वो खत्म। आंटी फोन की बैटरी डाउन हो गई। क्या बेटा तुम मेरे बेटे के दोस्त हो और ये भी कोई पूछने की बात है? जाओ बेटा अंदर जाके चार्ज कर लो, मैं दूध लेकर आती हूँ। एक बार और फोन ट्राई करता हूँ। भाई थोड़ा जल्दी कर, बॉस भी आज जेल से बाहर निकलने वाले हैं, उन्हें भी रिसीव करने जाना है। हाँ रिंग जा रही है, रिंग जा रही है। हाँ भाई कहाँ पर है तू? कहाँ पर? अच्छा जो खंडर सा घर है वो। ओके ओके ठीक है हम आते हैं वहीं पे। हाँ ओके ओके। यही एरिया लगता है, घर भी यही लगता है। चलो भाई देखते हैं जल्दी से, आओ उस तरफ। आगे होगा आगे लगता है, यही घर है। मुझे तो यही बोला था आने के लिए। मंजू 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 ए मंजू उठ, मंजू क्या हुआ? मंजू मंजू उठ, ए मंजू मंजू ए मंजू यहाँ पे छोड़ दी क्या? किसने किया ये सब? मुझे कुछ भी नहीं पता, इसने बोला मोबाइल चार्ज करना है, मैंने बोला अंदर जाके चार्ज कर लो, फिर मैं दूध लाने बाहर चली गई, फिर मैं आई तो ये सब देखो। भाई भाई उसके आदमी को मार डाला मैंने। हाँ सच में मार डाला। हाँ डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका भाई डिंक चिका भाई चिका डिंक चिका। लेकिन आते वक्त जग्गी ने मुझको देख लिया था। जग्गी? हाँ जग्गी ने देख लिया। कहानी खत्म, अब समझो कहानी खत्म। हम लोगों ने खुद मुसीबत को न्योता दे दिया है। वैसे भी कृष्णा भाई जेल से बाहर आने वाला है, जाकर उसका पैर पकड़ लेते हैं। अरे ओ सिद्धा आओ आओ पहले डील कर लेते हैं। हेलो सिद्धन्ना क्या हुआ आवाज? तो क्या है कि जल्दी हम लोगों का काम तमाम होने वाला है। बॉस हमें पता चला है कि आप बेल पर बाहर निकलने वाले हो, तो आपसे मिलने के लिए हम लोग आ गए। ए नमक खराब हो, तुम जग्गी को मारोगे? जग्गी को मारोगे तुम लोग? इस तलवार की कसम बॉस, आपका और आपके चेले के मैटर में ठांग अड़ाने की हिम्मत नहीं है मुझमें। जग्गी के सारे चेले एक एक करके मारे जा रहे हैं भाई, और हमें पता है कि आप हम पे शक करोगे, इसलिए हम आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गए। देखिए बॉस आप बोलेंगे तो मैं भी किसी केस में फंस कर आपके साथ जेल में आ जाऊंगा। तो फिर किसने जग्गी को मारने की प्लानिंग की थी? सिद्धन्ना तू तो छुपा रुस्तम है ना, तुझे तो सब पता होगा ना, बोल। नहीं बॉस
आपने कभी मेरे मैटर में टांग नहीं अड़ाई, ना मैंने कभी आपके मैटर में टांग अड़ाई, तो फिर कैसे ये हो सकता है बॉस? तो फिर कौन है? अमावस? लोग बोलते हैं कि शक्लों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तू बता, तू बता ना। बताता हूँ भाई, बताता हूँ। सुनो भाई लोग, अब मुझसे नहीं रहा जाएगा, अब मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, सब बताने वाला हूँ। देखिए भाई, आप तो अपने मन से जेल में जाकर बैठ गए, लेकिन आप जो भी डील कर रहे हो उसको वो मिसयूज कर रहा है। ये बात हमारे कानों तक आई है, और ऊपर से वो पता नहीं किसी लड़की के साथ इश्क लड़ा रहा है, आपके साथ नमक हरामी का काम कर रहा है। रुके रुके रुके, हम लोगों को जब ये पता लगा तो हम लोग प्लान बनाकर जग्गी को मारने चले गए। इसके पहले कि मेरा धड़ सर से अलग हो जाए, सिद्धन्ना आप भी बोलो। हाँ भाई, वो आजकल एक लड़की को चक्कर में पड़ा है, वो आपको भी पता है। अगर उस लड़की से शादी करना है तो उसने एक शर्त रखी है कि उसे ये काम धंधा छोड़ना होगा। कोई भी नौकरी करोगे तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी, ऐसा बोला उसने। वो अप्रूवल बनकर सारे लफड़े को तुम्हारे नाम पर डालकर तुम्हें सारी जिंदगी जेल के अंदर सड़ने के लिए अपने जेलों के साथ प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा। भाई आप समझ नहीं रहे हो, कब समझोगे भाई कब? आपको जेल में ही बोलने का सोचा था, लेकिन हम आपको कुछ बोले तो आप विश्वास नहीं करोगे, इसलिए हम लोग चुप रहे हैं। अभी बोलने का समय आया है तो बोल रहे हैं। कृष्णा भाई, वो आपके खिलाफ सारे काम करने जा रहा था, इसलिए उसे मारना चाह रहे थे। हम सब आपके चेले हैं भाई, किसी ना किसी तरीके से आपका उपकार है हम पर, इसलिए हम आपके खिलाफ कुछ गलत ना देख सकते ना कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये लीजिए, हम सबको मार डालिए। जग्गी मेरे साथ नमक हरामी कर रहा है क्या? कहां किसका विश्वास करूं? भाई अगर चुप हो गए मतलब जग्गी को मारने के लिए ही तैयार हो गए हैं, समझे? तुम सही कर रहे हो। पता नहीं माने या नहीं माने, क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं पता नहीं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ भी देख रहे हैं, पता नहीं इसमें हमें डालेंगे या जग्गी को। करेक्ट तरीके से सोच ले, बस मान गया हम। भाई 10 साल से आप जेल में बैठकर खाना खा रहे हो, अकेले आप ही नहीं हो, आप मेरी बात का बुरा मत मानना। सीन एक आइटम को हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा है, आप एक बार हाँ कर दे तो बस शुरू कर दे। क्या भाई तू ऐसा भी करता है? ऑफिस बना लिया है क्या? ऑफिस ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बस ऐसे ही अच्छे आइटम देखे तो उठा ले, आप बोले तो बुला लेता हूँ। बुला ले। जहाँ पर शंभू मारा गया वहाँ पर तू था, मुझे देखकर बहुत घबरा गया था। मेरे दोस्तों को कौन मार रहा है बता मुझे, बोल। अमावस ने फोन करके बोला कि शंभू को मार डालो, इसलिए मैंने उसे मार डाला भाई, मुझे कुछ मत करना भाई। सिद्धन्ना और अमावस दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था, वो लोग तुम्हारे खिलाफ भी प्लान बना रहे भाई, मैंने कुछ नहीं किया भाई। सब लोग कहाँ हैं? वो लोग कृष्णा भाई से मिलने को गए हैं। चल, किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये सही वक्त नहीं है चक्की। वो लोग कृष्णा भाई से मिलकर गायब हो जाएंगे, उन्हें हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं जग्गी। उन्होंने उसका कत्ल किया है जिसने हम लोगों के साथ बैठकर खाना खाया है, उन्हें हम किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जग्गी अभी नहीं, अभी नहीं,
तो फिर तू बता क्या करना चाहिए। एक मिनट का फोन आ रहा है। हेलो राहुल। हाँ भाभी। देख तू अपने भाई को समझा दे, अगर कल तक उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बोल देगा ना? हाँ बता दे। जग्गी अगर तूने कल भाभी से शादी नहीं की तो वो अपनी जान दे देगी मेरे भाई। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगा। देख तू ज्यादा दिमाग मत चला, कल सुबह हम सतीश और रत्ना से बात करके कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। सतीश भाई ए, चल रहा है? सतीश भाई आप जेल से कब छूटे? भाई यहाँ है क्या? हाँ भाई अंदर जाओ ना। बॉस इस डील में आप हमारा साथ दे दीजिए, इसके बाद वादा करते हैं मरते दम तक आपका साथ निभाएंगे। मतलब चक्की को खत्म करना है, कल मार देंगे उसे। यस बॉस। जो सोच लिया वो कर दिया। सतीश का फोन आ रहा। हाँ सतीश। भाई सारे के सारे गद्दार हैं और अब जग्गी के खिलाफ ही प्लान बना रहे हैं। जग्गी को मारेंगे, हमारे जग्गी को मारेंगे, प्लान बनाएंगे। एक मिनट जग्गी। भाई उसके माँ बाप नहीं है, उसने आपको ही माँ बाप समझा है। आप पर 20 लोगों ने अटैक किया था, 20 लोगों ने। क्या हुआ? सबसे लड़कर छोटी सी उम्र में आपको बचाया था, जिसको आपने रोटी खिलाई उसी को मारने की बात कर रहे हो आप? क्या भाई खाना खिलाकर हमारी जान लोगे क्या? हमारी फील्ड में सब नमक हराम है, लेकिन वो चक्की उसने ना कभी ऐसा काम किया है और ना कभी करेगा। जिस पौधे को आपने पानी दिया है उसे उजाड़ने चले हो, ये सही नहीं है भाई, सही नहीं है, सही नहीं है। भाई सतीश को उन लोगों ने मार डाला। सतीश खत्म हो गया, अब छोड़ दो। कल मारेंगे ऐसा बोला था, लेकिन अब आज ही खत्म करेंगे। काली रात अमावस्या बहन लगा है इसको, मरघट जैसे सन्नाटे। चल जग्गी वो भी चिंता नहीं छोड़ेंगे, चल। नहीं रहने दे, चेतु भाई के पास जाकर बोलना कि मैंने बोला है कि पैसे लेकर तू मुंबई जाकर सेटल हो जा, उनको तो मैं देख लूंगा। मैं भी चलूंगा। मैं जो बोल रहा हूँ उतना कर, एटलीस्ट तू तो जिंदा रह भाई, तुझे मैं खो नहीं सकता। जा जग्गी। जा भाई जग्गी। जा भाई। ए जग्गी सुनना, बोला ना जा। राहुल अपनी भाभी को सारी बात बताकर किसी और से शादी कर ले, बोल देना। बॉस हम तब यहाँ पर हैं।
भाई, मैं यहाँ हूँ भाई। नमक हराम, नमक हराम, नमक हराम, नमक हराम। मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया भाई? पूरी जिंदगी मैंने आपकी सेवा की। नमक हरामी वाला काम किया ना भाई? मैं चाहूं तो कोई भी इल्जाम बर्दाश्त कर सकता हूं भाई, लेकिन नमक हरामी जैसा काम नहीं करूंगा। ये बात आपको भी पता है भाई। हाथ मत लगाना। मैं कोई खेल नहीं खेलूंगा, मैं खुद ही सरेंडर हो जाता हूँ, बस तो जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। छोड़ दे छोड़ दे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे भाई, मेरे भाई छोड़ दे मुझे, भगवान के लिए छोड़ दे। आपने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं आपको नहीं मारूंगा भाई, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया भाई, नमक। मैं आपके जैसा कुत्ता नहीं हूं भाई, मैं वफादार कुत्ता हूं। नहीं देख सकती, ये सब क्या है जग्गी? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। रुको भाई, भगवान के लिए ये सब रोक दो भाई, ये आपके पास कभी नजर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है भाई। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, अपने उसी प्यार को बचाने की खातिर मैं अपनी दुनिया से इतनी दूर आई हूँ। ये गुंडागर्दी, छुरी, तलवार, इन सब को गुड बाय बोलकर आई हूँ। कहीं दूर चले जाएंगे, हम अकेले रहेंगे भाई। जग्गी, जग्गी, उठो आराम से, बोलो। ये पिस्तौल तलवार सब छोड़ दूंगा, ये गुंडागर्दी से मेरा कोई संबंध नहीं है, इन्हें विश्वास दिलाओ जग्गी।
भाई, आज के बाद तलवार को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं लगाऊंगा। चाहे आप मुझे नमक हराम समझो भाई, इस प्यार के लिए मैं तलवार को हाथ भी नहीं लगाऊंगा भाई, नहीं लगाऊंगा भाई, दूर चला जाऊंगा। जब इसने बोला कि ये तलवार को हाथ नहीं लगाएगा, फिर हम इसको तलवार से क्यों मारें? ये बिल्कुल गलत होगा। लेकर जाओ इसे। चलो। हाँ, ऐसे चांस को मिस मत करो भाई, मार डालते हैं इसको। ए! वो मेरा चेला है, जबान से नहीं मुकरेगा अगर उसने वादा कर दिया। वादा खिलाफी कभी नहीं करेगा। बहुत दुख रहा है, क्या हुआ तुम्हें? इंसान चौंक रहा है ना, इस पल के लिए कितने दिनों से इंतजार कर रही थी मैं, जानता है? तुझे ढूंढते ढूंढते शहर का चप्पा चप्पा छान मारा। तू कौन है, तेरा बैकग्राउंड कैसा है, तेरा काम क्या है, सब पता किया। अब मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। ओए, तुझे मारने के लिए मैंने कितने प्लान बनाए पता है तुझे? रात को तुझे चाय की दुकान के पास ही मार देना चाहती थी। एक से मैंने जैसे ही गन निकाली, तेरे हाथ में गन आ गई। ऊपर से तेरा दोस्त भी था, कोई दूसरा बेकार में ना बलि चढ़े, मैं चुप रही। उस दिन पार्क में तुझे गुलाब देने के बहाने छुरा भोंकने के लिए तैयार थी मैं। तेरे दोस्त ने आकर तुझे बचा लिया, वरना उस दिन मेरे हाथ में जो चाकू था वो तेरे सीने के और पार हो जाता। उस दिन मेरे हाथ से ये मौका निकला, पता है मुझे कितना अफसोस हुआ? फिर से मिला तू, तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तेरे लिए भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं एक बार फैसला कर लूँ तो, ये लो पानी पियो। उस दिन तुझे खत्म कर दूंगी ये सोचकर खुश हो रही थी, थी। पर तेरे दोस्त ने आकर सारा प्लान बिगाड़ दिया। उस दिन मैं तुझे पानी नहीं पिला रही थी, पॉइजन दे रही थी। अगर उस दिन वो पॉइजन तेरे अंदर चला जाता तो तू मर जाता। इसीलिए तेरे दोस्तों को मैंने मरवा डाला, पता है? मैंने एक काम बोला था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। कहने के लिए प्रोफेशनल हो तुम मैडम, लोग असल में बेवकूफ हो। मैडम प्लीज मैडम, एक मुझे एक चांस और दे दीजिए मैडम, एक चांस मैडम, जग्गी को खत्म करना है बस, समझे? जग्गी को, ये तो वही लोग हैं, इन लोगों को तूने भेजा था? ओयो, खत्म कर दो उसे। सामने मिलोगे, ये मुझे कैसे पता चला, यही सोच रहे हो ना? कहाँ है जग्गी? भाभी, जग्गी शमशान में ही सोता है,
ये सिर्फ कृष्णा भाई को ही पता है। कृष्णा भाई जग्गी को ढूंढते हुए शमशान में ही आएंगे, इसलिए जग्गी वहीं गया है। अच्छा हाँ। वो शमशान में है ना, अच्छा हुआ, चलो वहीं उसकी समाधि बना दूंगी। हाँ? ये क्या बोल रही है भाभी? देवर जी मैं तुम्हें क्यों मारना चाहती थी तुम यही जानना चाहते हो ना, है ना? मैंने और रोहित ने न जाने कितने सपने सजोए थे हम दोनों ने, हम दोनों का बहुत सुंदर प्यार था। मुझसे अनजाने में हुई गलती थी वो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। मैं वहां वापस भी आया था पर यहां पर कोई भी नहीं था। मैंने यहाँ पर किसी को मारा भाई। अरे तू पागल हो गया क्या जग्गी, कैसी बात कर रहा है तू? गारंटी उसको लगी है और वो पक्का मर गया होगा, नहीं वो बचा नहीं होगा। अरे जग्गी तू क्या सोचता रहता है, क्या बोल रहा है तू? अरे ऐसा नहीं है जग्गी, चल कुछ भी सोचता रहता है। चल काम करने के बाद मेरे दिल में कितना बड़ा बोझ था वो बस मैं ही जानता हूँ। मैंने जो गलती की उसका पश्चाताप मैंने कर लिया, तूने जो भी किया वो सही किया।